तो अगर आपके पास एक DSLR कैमरा है या मिररलेस कैमरा है, क्या आपको पता है कि आप उस कैमरा को एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज आप में से काफ़ी जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, बहुत टाइम से हो गया, आपने देखा होगा जब मैं लाइव सेशंस करता हूँ यूट्यूब पे, तो मेरा जो क्वालिटी है वो एकदम इसी तरह का आता है, बिकॉज मैं सेम सेटअप यूज़ करता हूँ। और अगर आप जूम या स्काइप कॉल्स करते हो अपने ऑफिसेज के लिए, कॉन्फ्रेंसिस के लिए, अगर आप कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो भी आप अपने डिजिटल कैमरा को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हो। अब वो कैसा वर्कफ्लो है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लेट मी शेयर दैट विद यू गाइस। अब एक सबसे कॉमन तरीका किसी भी डिजिटल कैमरा को एज अ वेबकैम यूज़ करने का होता है फिजिकल हार्डवेयर यूज़ करके, जो होता है कैप्चर कार्ड, जो कॉस्ट करता है 10,000 से 15,000 के बीच में, जो मैं पहले प्लान कर रहा था, बट मुझे जब ये तरीका पता लगा तब वो मैंने नहीं कंसिडर किया। अगर आप कैनन के कैमराज यूज़ करते हो, ऑलमोस्ट हर एक कैनन का DSLR या मिररलेस कैमरा आप यूज़ कर सकते हो एज अ वेबकैम। और इसी तरह सोनी का भी अपना सॉफ्टवेयर है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, बाकी ब्रांड्स का आई एम नॉट श्योर बिकॉज मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन कैनन और सोनी के बारे में है। आपको क्या करना है, कैनन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैनन वेबकैम यूटिलिटी, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सॉफ्टवेयर को आप जब इंस्टॉल करके रन करते हो, सो दिस इज़ बेसिकली अ वे टू लेट योर वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स और मे बी OBS सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, वो आपका कैमरा को डिटेक्ट कर लेता है एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ वेबकैम। अब इसको करने का वर्कफ्लो क्या है, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। एक बहुत सबसे मोस्टली यूज सॉफ्टवेयर है OBS, मैं भी वो यूज़ करता हूँ। OBS एप्लीकेशन आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन। अब उस एप्लीकेशन को जब आप चलाओगे, वहाँ पे जाके आपको जो कैमरा है उस डिवाइस में आपको अपने वेबकैम यूटिलिटी को सेलेक्ट करके आप इस तरह से अपने DSLR या मिररलेस कैमरा को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप YouTube पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, आप अपनी की वगैरह जो भी यूज़ करते हो स्ट्रीमिंग की, वो इसमें डाल के यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट स्ट्रीमिंग ऑन YouTube। और अगर आप Zoom या Skype या किसी भी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के लिए इसको यूज़ करना चाह रहे हो, वहाँ पे भी जो आपको कैमरा का ऑप्शन होता है, लाइक यहाँ पे Zoom में अगर मैं अपना ऑप्शन चेंज करता हूँ, सो आई कैन स्विच फ्रॉम माई स्टैंडर्ड वेबकैम या लैपटॉप का जो कैमरा है उससे मैं स्विच कर सकता हूँ अपने डिजिटल कैमरा पे। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, पहली चीज़ आपकी जो बैटरी है वो कैमरा की यूज़ हो रही है, तो अगर आप, मैं इजीली अपने मिररलेस कैमरा में 1.5 घंटे तक इसको यूज़ कर लेता हूँ, अगर DSLR कैमरा भी है और अगर आप अपना लाइव व्यू ऑफ करते हो, आप इजीली 2 से 3 घंटे यूज़ कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट, लाइव फोकस ट्रैकिंग, अब जैसे मेरे कैमरा में आई ऑटो फोकस है, तो जब मैं इसको एज ए वेबकैम यूज़ करता हूँ तो वो ट्रैकिंग करता है, अगर मैं फ्रेम में आगे पीछे भी मूव कर रहा हूँ इट कीप्स मी इन फोकस। और नेक्स्ट बेनिफिट है कि आपको कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं लगा के रखना, विदाउट मेमोरी कार्ड भी आप वेबकैम की तरह अपनी कैमरा को यूज़ कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर वो एक ट्राइपॉड पे रहे। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने कैमरा को अपने PC या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए आपको एक USB केबल चाहिए होगी, कई कैमराज के साथ में ही आपको इन द बॉक्स मिलती है, अदरवाइज आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। जस्ट ये ध्यान में रखना कि आपका जो कैमरा का आउटपुट है वो कौन सा है, और अपने जो लैपटॉप में PC में आप USB-C या USB कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हो वो ध्यान रखना, जस्ट मेक श्योर ऐसा केबल हो जो आप आपके कैमरा और PC या लैपटॉप से कनेक्ट कर सको, दैट हेल्प्स योर PC और लैपटॉप टू बेसिकली रेप्लीकेट जो आपके कैमरा के थ्रू दिख रहा है। अब एक बोनस टिप मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जब आप अपने कैमरा को एज अ वेबकैम यूज़ कर रहे होगे, हो सकता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो घर पे तो आपको फ्लिकरिंग इफेक्ट दिखे, सो यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान पे रखनी है, आपकी जो FPS है वीडियो का, यू हैव टू मेक श्योर आप अपने कैमरा को वीडियो मोड पे रख रहे हो, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अपना FPS 24, 25 या 50 FPS पे रखना, और आपकी जो शटर स्पीड रहेगी वो आपकी FPS की डबल हो जाएगी। तो अगर आप 24 या 25 FPS यूज़ कर रहे हो, आपकी शटर स्पीड होगी 1/50th of a second एंड 50 FPS पे 1/100th of a second। एपर्चर और ISO का कॉम्बिनेशन आप एक्सपोजर मेंटेन करके उस हिसाब से रख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगे, ज़्यादा एक्सपोजर फ्लक्चुएशन ना हो, तो अपने कैमरा मोड को जब आप वीडियो पे हो मैनुअल सेलेक्ट करना, ऑटो मत करना, अदरवाइज ऑटोमेटिक में आपका एक्सपोजर बहुत ऊपर नीचे जाएगा और वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगता। सो दैट्स इट, यही था एक तरीका जिसको आप यूज़ करके
फ्री में YouTube पे या Zoom पे या किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पे अपने डिजिटल कैमरा को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हो और आपको अलग से वेब कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है वो भी बहुत अमेजिंग हो जाएगा। सो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।